हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रेजी गर्ल्स। आज हम आए हैं लूना पार्क और ये है सेंट किल्डा बीच के पास। हमने अपनी ऑलरेडी फैमिली पैक टिकट बुक करवा रखी है जो है $155 की, जिसमें मिलेंगे हमें अनलिमिटेड राइड्स। अब हम अंदर आ गए हैं और एंट्री पर हमें मिलेगा रिस्ट बैंड, जिसे पहनकर हम किसी भी राइड के ऊपर जा सकते हैं। तो हमने अपने रिस्ट बैंड ले लिए हैं, तो चलो अब अंदर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो पेंटिंग है, जो स्टैचू बने हुए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हैं। मुझे तो अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है आकर। अब पहले मैं आपको अंदर से सारा दिखाऊंगी, फिर हम लेंगे डिफरेंट डिफरेंट राइड्स। यहाँ पर कुछ राइड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बच्चे अलाउड नहीं हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जा सकते हैं। लेकिन अगर उनके साथ पेरेंट्स नहीं हैं या बड़ा कोई नहीं है, तो वो राइड नहीं ले सकते। तो चलो अब राइड्स लेते हैं और मज़े करते हैं, और आप भी हमारे साथ मज़े करना। सबसे पहले बानू ने इस राइड को चूज़ किया और इस राइड का नाम है मून बैलून्स, और ये बच्चों के लिए परफेक्ट राइड है। और बानू खूब मज़े कर रहा है इस राइड में, और इस राइड में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी जा सकते हैं। इस राइड का नाम है सीनिक रेलवे और ये काफ़ी हाइट पर है राइड, और ये पूरे लूना पार्क का चक्कर लगवाती है। और इस राइड में मैंने और ईरा ने तो खूब मज़े किए, और ये देखिए मैं और ईरा ऊपर से वेव कर रहे हैं और साथ वाले भी वेव कर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे, बहुत ही मज़े आते हैं। मेरा मन था कि मैं कैमरे को अंदर लेके जाऊं, लेकिन कुछ सेफ्टी रीजंस के कारण मैं लेके जा नहीं पाई। इस राइड का नाम है सुपरनोवा। इस राइड में बानू और ईरा इकट्ठे बैठे हैं और मैं पीछे बिल्कुल अकेली। इस राइड पर हमें पहले ऊपर लेके जाएंगे, और बिल्कुल ये स्विंग की तरह है और ये काफ़ी हाइट पर है। ये देखिए हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके हमें स्विंग करेंगे ये, और ऊपर से सेंट किल्डा बीच पूरा दिखाई दे रहा है। बड़े मज़े आ रहे हैं ऊपर। और जो हमने सीनिक रेलवे ली थी ना, ये उसके भी ऊपर है, इसका हाइट काफ़ी है। और जैसे ही हम ऊपर चले जाएंगे, फिर जो स्विंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम पूरी हाइट पर हैं, अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा और फिर फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने खूब मज़े करे। इस राइड का नाम है फेरोस कर्स, और इस राइड में मुझे और ईरा को तो बहुत डर लगा। जैसे ये ऊपर जाती है, बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इस राइड में, और चक्कर भी काफ़ी आते हैं। लेकिन मज़े तो हमने खूब किए इस राइड में भी। इस राइड का नाम है कोनी ड्रॉप, और इस राइड में बानू हमारे साथ है। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि राइड देने से पहले ये सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर सबको चेक करते हैं, और उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं राइड को। ये देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस दी, फिर यहाँ चेक किया सब कुछ, उसके बाद बाकियों को भी चेक करा, जो खाली सीट्स पड़ी हैं उनको भी चेक करा, और उसके बाद ही इस राइड को स्टार्ट करेंगे। इस राइड पर भी हम तीनों ने खूब मज़े करे। डर भी लगता है, लेकिन मज़े भी खूब आते हैं, और बानू ने भी यहाँ पर खूब इंजॉय करा हमारे साथ। इस राइड का नाम कोनी ड्रॉप इसीलिए है कि ये ऊपर जाकर पूरे प्रेशर के साथ ही नीचे फेंकते हैं, और जैसे ही नीचे को ये आता है, बहुत ही ज्यादा मजा आता है। हमने तो इस राइड में भी खूब इंजॉय करा, और बानू भी खूब मस्ती कर रहा है हमारे साथ। इस राइड का नाम है स्पीडी बीटल, और सब राइड्स में जाने से पहले हाइट को चेक करते हैं और फिर ही जाने देते हैं।
कुछ राइड्स ऐसी हैं जिसमें अलाउ किया जाता है सिर्फ बड़ों के साथ बच्चों को। अब बानू और इरा अंदर जा रहे हैं और फिर वो खूब मज़े करेंगे इस राइड में भी। और ये काफ़ी फास्ट है राइड, जैसे ही स्टार्ट होती है कैमरे में बानू और इरा को लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लूना पार्क आए हुए हमें 4 घंटे हो गए और काफ़ी राइड्स ले ली हैं हमने। अब हम अपना लंच करेंगे और लंच करने के बाद फिर से हम राइड्स लेंगे। यहाँ पर सब कुछ मिलता है, स्नैक्स, ड्रिंक्स, आप कुछ भी ले सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। इस राइड का नाम है हैप्पी स्विंग और ये बिल्कुल स्विंग की तरह ही है लेकिन काफ़ी बड़ी है। और इस राइड में आते ही मुझे नींद आनी स्टार्ट हो गई थी, मुझे लग रहा था मैं यहीं सो जाऊँगी। इस राइड का नाम है अरेबियन मैरी और इस राइड में बानू अकेला गया है क्योंकि ये राइड काफ़ी स्लो है, तो मैंने और इरा ने कहा कि बानू को अकेला भेज सकते हैं इस राइड में। बड़े भी इसमें जा सकते हैं लेकिन बानू कंफर्टेबल है। मेरी फैमिली को तो लूना पार्क काफ़ी पसंद आया, बच्चों के लिए बड़ों के लिए काफ़ी कुछ है यहाँ पर। 6 to 7 hour फैमिली आराम से बिता सकती है यहाँ पर। अगर आपके पास अनलिमिटेड राइड्स वाला पैकेज है तो बड़े मज़े आते हैं यहाँ पर। इस राइड का नाम है कैरोसल और मैरीगो राउंड भी बोलते हैं इस राइड को और ये काफ़ी स्लो है। इस राइड में आप दोबारा से भी चढ़ सकते हो, उतर सकते हो चलते चलते, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। इस राइड का नाम है एंटरप्राइज राइड और ये काफ़ी स्केरी है राइड। मैंने और इरा ने इसमें मज़े तो करे लेकिन मैंने इरा को बोला दोबारा से मैं इस राइड में नहीं बैठने वाली क्योंकि मुझे तो काफ़ी डर लगा इस राइड में। इस राइड का नाम है रोड रनर और इस राइड में मैं बानू के साथ ही बैठी हूँ क्योंकि इस राइड में बच्चों को सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही अलाउ करते हैं। अगर आप 13+ हैं तो आप अकेले भी जा सकते हो। और अब हम बैठे हैं स्पाइडर राइड में और ये काफ़ी स्केरी राइड है लेकिन इस पर भी हमें खूब मज़ा आया। और मेन बात यह है कि इस राइड में बेल्ट्स नहीं है। यहाँ पर कुछ राइड्स ऐसी हैं जो देखने को लगता है कि यहाँ पर डर नहीं लगेगा लेकिन जब उस राइड में बैठते हैं तभी पता चलता है कि वो कितनी स्केरी है। इस राइड में मैं और बानू तो साथ साथ हैं लेकिन इरा अकेला बैठा है इस राइड में। मुझे काफ़ी डर लगा था इस राइड में। अब हम आ गए हैं गोस्ट ट्रेन के पास। यहाँ पर भी कैमरा अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है लेकिन मेरा मन था कि मैं अंदर कैमरा लेके जाऊँ और देखूँ
कि अंदर क्या है, लेकिन बस हम बाहर से ही इसका वीडियो शूट कर सकते हैं। मैं और बानू पहले जाएंगे, फिर बाद में ईरा अकेला जाएगा। इस राइड का नाम है रेसिंग कार। बानू अपने पापा के साथ बैठेगा और ईरा दूसरी कार में। चलो रेस स्टार्ट हो गई है। लूना पार्क में आए हुए हमें 7 आवर्स हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल जाने का भी मन नहीं है हमारा। अब बानू तो अपने पापा के साथ खूब मजे कर रहा है, ईरा भी खूब एंजॉय कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आए हुए हमें 8 to 9 hours हो गए हैं, काफ़ी थक गए हैं हम। अब हम जा रहे हैं अपने घर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि आपको कौन सी राइड सबसे ज़्यादा पसंद आई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।